बदल लीजिए, तब से अभी तक सर्कल के अंदर ही रहने वाले हैं। टीम एसएमआर गेमिंग की बात कर ले तो वेल एसएमआर गेमिंग के भी दो प्लेयर्स यहाँ पे जीवित रहने वाले, विकी जॉर्ड एंड एसएमआर हिमसेल्फ। और वेल देख लीजिए, एसएमआर गेमिंग की बात कर रहे हैं तो वेल एक काफी अच्छे पोजिशन पे बट सर्कल से बाहर है। जी हाँ, सर्कल के अंदर जाना, नेड के प्लेयर्स की बात कर ले जाएगा, स्पॉट करते एलिमिनेट इनको काफी आसानी से कर सकते हैं। स्पाइक की बात कर ले जाए, अल्फा के प्लेयर्स को यहाँ पे पिक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, परितोष की बात कर ले जिनको अंदाजा नहीं रहने वाला, उनके पीछे का तरफ भी प्लेयर्स है। और वेल पुश यहाँ पे लिया जा रहा है, ये सिर्फ प्लेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। परितोष की बात कर ले जाए, यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल देयर इट गोस, एक प्यारा ग्रेनेड, क्या कनेक्शन बनाएगा, क्या नॉकआउट कर पाएगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ हो चुका था ग्रेनेड, वरना डेफिनेटली दो प्लेयर्स का किल सिक्योर कर सकती थी ये टीम। बिल्कुल, देखिए पारितोष को आप देखिए एक बार, वेल शुरुआत में ही अपने सारी टीम को गंवा चुके थे पारितोष, अगर आपको याद होगा। वेल फाइट को अवॉइड करना, अपने आप को बैकफुट पे रखना, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेजेस देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी टीम को टॉप फाइव मिलाया एंड यहाँ पे वेल कितने प्लेयर्स को उन्होंने निपटाया, वेल वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने कन्फर्मेशन है उनके पास। दो प्लेयर, दो कन्फर्मेशन जुड़ चुके हैं जो खुद स्वयं उन्होंने लिए, नेट के नियॉन को भी यहाँ पे भारी मात्रा में नुकसान में डाला जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लिया आपको देखने मिल सकते हैं, पूरे मैन एडवांटेज के साथ में इनकी टीम जीवित है। आखिरी चार टीमें सर्वाइव कर रही है एंड चार टीमों के 11 खिलाड़ी आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। गॉडल लॉस टोटल 8 कंफर्मेशन के साथ मैच में एक वन साइडेड डोमिनेशन एडवांटेज में आपको दिखाते नजर आएगी। वेल देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पे मुसीबतों में डाला जा चुका है और कितने कन्फर्मेशन निकालेंगे, क्योंकि 11 में से अगर इन चारों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 7 प्लेयर्स और रहेंगे और ये 8 कन्फर्मेशन के साथ में वो 7 कन्फर्मेशन जुड़ने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। वेल देखिए, एडवांटेज तो पूरा है, 23 मिनट बीत चुके हैं मैच में, आखिरी चार टीमें आपको देखने मिल सकती है। IWNL की पूरी टीम यहाँ पे रहने वाली है, न्यूक्लिया की टीम जिन्हें आप बोल सकते हो, अल्फा की टीम है, चारों प्लेयर्स के साथ में आपको देखने मिलेगी। 4v4 का बैटल बिटवीन गॉड एंड लॉल्स एंड अल्फा आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे अक्षु भाई को स्पॉट किया, स्मोक यहाँ पे डाला जा चुका है, लॉल्स का नहीं सीनियर का स्प्रे यहाँ पे उनको मिड आउट पोजीशन में डालेगा। न्यूक्लिया की बात करें, न्यूक्लिया को भी पिक किया जाएगा, रेक्स यहाँ पे जोन के बाहर से उनको नुकसान देते नजर आएगी एंड ये फ्लैश फाइनली 4v3 में कन्वर्ट होगा। लॉल्स करेंगे यहाँ पर रेक्स को डाउन, लेकिन लॉल्स को भी यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा फ्रॉम BTS। वेल एवर्टेड, क्या लगता है आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरे हार्ट बीट थोड़े से बढ़ चुके हैं यहाँ पे। वेल देख लीजिए, एक बार फिर BTS को भी एलिमिनेट कर लिया गया और वेल यहाँ पे टीम लॉल्स जो है वो बिना चिकन डिनर के काफी था करीब और यहाँ पे टीम लॉल्स गेस द मैच, गेस द विनर, विनर चिकन डिनर इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे। एंड गाइस देख लीजिए, जिन्होंने अभी तक यहाँ पे लाइक नहीं किया जल्दी से यहाँ पे लाइक कर लीजिए, 12,000 लाइक्स का हमारा जो है टारगेट रहने वाला है, तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए एक बार के लिए। बट जो गेम प्ले यहाँ पे लॉल्स की टीम ने निकाल के दिखाया, जिस तरीके से वो कंपाउंड उनको इतना ज्यादा फेवर कर चुका है कि क्या कहा जाए, मतलब एक बहुत ही ज्यादा फेवरिंग सिचुएशन हो गया था, कितना ज्यादा लक मतलब कंपाउंड उनको दे रहा था, मतलब देख लीजिए उनके 13 फिनिशर्स एक ही कंपाउंड को होल्ड करके उन्होंने निकाला है। या जब कंपाउंड पे आए थे शायद तब उनके 0 फिनिशर्स थे और